सोलर स्ट्रक्चर। दोस्तों आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो रहा है, बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक था। काफी लोगों के मेरे पास क्वेरीज आए कि जब सोलर इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, जब हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, तो स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, स्ट्रक्चर के बीच में गैपिंग कितनी देते हैं, राफ्टर क्या होता है, पर्लिंस क्या होता है। तो आज मैंने ये हमारी एक साइट चल रही है, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर की माउंटिंग कर चुके हैं, तो आज आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। और जनरली क्या होता है, बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स आप देखते हैं लगते हैं, एक 3 किलोवाट से लेके 300 किलोवाट के सिस्टम में अगर आप देखना चाहेंगे, कभी भी विंड प्रेशर आता है, जो मई जून के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा विंड प्रेशर रहता है, बारिश के टाइम पे काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उसमें बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स उड़ जाते हैं। कस्टमर केवल सोलर पैनल्स के बारे में बात करता है, सोलर इन्वर्टर्स के बारे में बात करता है, केबल कौन सी लगाते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की साइजिंग कैसे की जाती है, डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, तो बेसिक्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपने डाउट्स भी लिख सकते हैं कि आप चाहते हैं इसके बारे में और भी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप प्लीज़ नीचे लिख दीजिएगा, उसके बारे में हम आपको और एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली चीज़ मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बता दूँ, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम नीचे से बात करें, ये होती है हमारी बेस प्लेट। और देखिए सबसे ज़्यादा क्वालिटी की बात करूं तो स्ट्रक्चर में ही कॉस्ट कटिंग सबसे ज़्यादा होता है। आज ये एक लगभग 3 किलोवाट की साइट है, इसका स्ट्रक्चर की कॉस्ट लगभग 15,000 से 18,000 रुपये के आसपास की आई है, काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर लगाया हमने। एक अगर मैं इसको और रिड्यूस करना चाहूं तो पतले से पाइपों में भी 20x20, 25x25, 40x40 के पाइप में भी स्ट्रक्चर को हम खड़ा कर सकते हैं, उसमें कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन आई थिंक क्वालिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सबसे पहले चीज़ नीचे जो लगी हुई है, अगर मैं इसको जूम करता हूँ, ये आप चीज़ें देखिएगा, ये लगी हुई है हमारी बेस प्लेट, इसको बोलते हैं हम बेस प्लेट। आप पीछे से देखेंगे तो पीछे से हमने इसमें 4 नट से पूरा अपना टाइटनिंग किया हुआ है यहाँ पे। ये हमारा बेस प्लेट है, ये पूरा हमने, और इसको हम बोलते हैं फ्रंट लेग। ये जो लेग है इसको हम बोलते हैं फ्रंट लेग, और फ्रंट लेग के ऊपर आता है ये राफ्टर, मतलब ये फ्रंट लेग हो गई और वो वाली होगी हमारी बैक लेग। फ्रंट लेग बैक लेग को जो ज्वाइन करता है उसको हम बोलते हैं राफ्टर, और राफ्टर के ऊपर जाती है हमारी पर्लिंस। तो अब यहाँ पे हमारा 3x2 का सिस्टम लग रहा है, मतलब 6 पैनल्स लग रहे हैं और टोटल 3.2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट है। तो 6 मॉड्यूल्स ऊपर आएंगे और 3 मॉड्यूल्स ऊपर आएंगे और 3 मॉड्यूल्स नीचे आएंगे, टोटल 6 मॉड्यूल्स लग रहे हैं प्लांट में और पूरे सीरीज में कनेक्ट होंगे। अगर आपको स्ट्रिंग डिजाइनिंग के बारे में सीखना है तो पहले की वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हैं, उसमें पूरा स्ट्रिंग डिजाइनिंग के बारे में सिखाया गया। तो ये इस तरीके से आपका लगता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यार ये कितने एंगल्स पे लगता है, स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, फ्रंट लेग और बैक लेग के बीच में हमें गैप कितना देना चाहिए और फ्रंट लेग टू फ्रंट लेग के बीच में हमें गैप कैसा देना चाहिए। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, इट इज़ 140x50 का ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो इट इज़ अ वेरी हैवी स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर एक नया स्ट्रक्चर पे आप जैसे देख रहे हैं आजकल इस टाइम पर, ये जो पर्लिंस लगी हुई है, ये 41x41 की हमारी पर्लिंस लगी हुई है, इसके ऊपर हमारे मॉड्यूल्स की टाइटनिंग होती है। और अभी देखिए स्ट्रक्चर को मैं हल्का सा मूव भी कर रहा हूँ, तो अभी ये स्ट्रक्चर मेरा मूव हो रहा है, तो इसीलिए इसके नीचे कॉलम कास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये पूरा सिविल का मटेरियल आ रहा है, ये सिविल मटेरियल आ रहा है और ये आपके कॉलम बनते हैं। जनरली छोटे छोटे से लोग बस पिलर छोटे छोटे से कॉलम बना देते हैं, कोई बाल्टी काट के कॉलम बना देता है। एक प्रोफेशनल काम करने के लिए आपके पास ऐसा टेम्पलेट होना चाहिए, आप एक एल शेप में ऐसा टेम्पलेट बना सकते हो। अभी हमने तारों से बांध दिया है ना, तो एक एल शेप ऐसा है और एक एल शेप ऐसा है, एक लोहे का आप ये बना दीजिए और इसको मार्किंग करके दोनों कॉलम हमारे बीच में आएंगे। तो लाइन डोरी से हम मार्क करते हैं आगे के फ्रंट लेग चारों पे, हम लाइन डोरी से मार्किंग करके कॉलम की कास्टिंग करते हैं और ये लेग हमारा सेंटर पे रहेगा कॉलम के, क्योंकि स्ट्रेंथ प्रॉपर उसको मिलेगी। और जैसे ही कॉलम कास्टिंग हो जाएंगे यहाँ पे मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो कॉलम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये प्लांट को उड़ने से बचाता है।